हे व्हाट्सएप गाइस, आ चुके हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ 2022 का बेस्ट सीवी एडिटिंग। आज की इस वीडियो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स सीवी एडिटिंग के बारे में पूरा फुल जानकारी। आज की इस वीडियो में हम आज आप लोग को देने वाले हैं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन 2022 का सबसे बेस्ट सीवी एडिटिंग वाला वीडियो होने वाला है, तो चलिए फ्रेंड बिना देर के वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग, हम लोग आ चुके अपने होम स्क्रीन के ऊपर एंड देखिए बिफोर एंड आफ्टर एंड आफ्टर। सो गाइस, आज इस वीडियो में ना अगर आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो सेम इस तरीके से आप लोग फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चले फ्रेंड बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस, शेयर करने बाद सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग को चले जाना होगा यहाँ से, देखिए इस वाले ऑप्शन पे पॉप के बगल में एक ऑप्शन होगा, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन गाइज, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का फेस रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड बैकग्राउंड भी थोड़ा सा सेचुरेशन आ जाएगा बैकग्राउंड में भी, तो सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड गाइज, इतना करने में सिंपली आप लोग को चले जाना होगा शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर। एंड आप लोग को आ जाना होगा व्यू एडिट पे। एंड सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा कर्व्स पे। एंड आप लोग को क्लिक कर देना है ब्रश पे। देन गाइज, ब्रश पे क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेंगे। एंड गाइज, फोटो जूम करने वाला सिंपली आप लोग देखिए सिर्फ आप लोग अपने फेस के ऊपर से ड्रॉ कीजिएगा, जो भी आप लोग के फेस के ऊपर सेचुरेशन आया होगा तो हल्का सा आया होगा तो आप लोग रिमूव कर लीजिएगा। एंड गाइज, इतना करने सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड गाइज, डन करने के बाद सिंपली आपको फिर से बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद सिंपली आप लोग को चले जाना होगा टूल्स वाले आइकन पे। एंड टूल्स वाले आइकन पे आने के बाद सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा देखिए विगनेट। एंड गाइज, विगनेट पे क्लिक करने में सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड के बगल में ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो सिंपली देखिए फिर पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो सिंपली आप इसको जीरो कर लीजिएगा। एंड यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा आप लोग हल्का सा अपने फोटो के हिसाब से, तो 12 कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से सिचुएशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे हम लोग अपने फोटो के हिसाब से। एंड यहाँ से देखिए स्टाइल स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा इसको हम माइनस में रखेंगे, ठीक है, प्लस में, सॉरी फ्रेंड। तो कुछ इस तरीके से प्लस 5 कर दे रहे हैं। एंड गाइज, इतना करने सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को आ जाना होगा डबल एक्सपोजर पे। एंड फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा गैलरी वाले ऑप्शन पे, प्लस का आइकन होगा उस पर। एंड उस पर क्लिक करने सिंपली आप लोग आ जाना है गैलरी वाले ऑप्शन पे। एंड गैलरी वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली एल्बम पे एंड आल फोटोज में, ठीक है। एंड आल फोटोज में आने में सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना होगा। एंड गाइज, एक हमारे पास पीएनजी है, ठीक है, जो पूरा वीडियो वॉच करेंगे फ्रेंड तभी आप लोग जान पाएंगे कहाँ से उसको डाउनलोड करना है। तो सिंपली हम लोग पीएनजी पे क्लिक कर देंगे। देन गाइज, पीएनजी पे क्लिक करने में सिंपली आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा। तो सिंपली देखिए बीच में एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप लोग डार्केन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन गाइज, डार्केन पे क्लिक करना सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड डन करने में सिंपली देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। एंड व्यू एडिट्स पे आ जाएंगे। एंड देखिए आप लोग को डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा। एंड ब्रश वाले आइकन पे, एंड ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करने में सिंपली आप फोटो को जूम कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना आप लोग जूम कर लीजिएगा। एंड जूम करने में कुछ इस तरीके से आप लोग ना अपने बैकग्राउंड पे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग के कपड़े पे यहाँ चला गया है तो सिंपली आप यहाँ से जीरो करके, सॉरी फ्रेंड, यहाँ से जीरो करके और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ, सॉरी फ्रेंड, देखिए यहाँ से हम लोग जीरो कर देंगे। एंड यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप लोग अपने बैकग्राउंड पे सिर्फ अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड बिना देर के वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। सो गाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। एंड गाइज, इतना करने में सिंपली यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। एंड डन करने में सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देखिए फ्रेंड कितना ऑसम सा फोटो लग रहा है। एंड गाइज, इतना करने बनो सिंपली आपको फिर से टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड टूल्स वाले आइकन पे आने में सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा टोटल कंट्रास्ट। एंड उस पर क्लिक करना सिंपली आपको इसको जीरो कर दीजिएगा। एंड यहाँ से मीडियम टोन को भी जीरो कर देना होगा। एंड लो टोन को आप लोगों को भी जीरो कर देना होगा, ठीक है। एंड इतना करना सिंपली आप लोग जीरो ही रखिएगा। एंड प्रोटेक्ट शैडो को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। एंड प्रोटेक्ट हाइलाइट्स को हल्का सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। एंड गाइज, इतना करना सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। देखिए आपको फिर से दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने बाद ना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज पे। एंड ट्यून इमेज पे क्लिक करना सिंपली आप लोग को सबसे लास्ट वर्म्स है, ठीक है, WARMTS। तो सिंपली आप लोग इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से आप लोग 100 माइनस कर दीजिएगा। एंड गाइज, 100 माइनस करने के बाद सिंपली आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड गाइज, डन करने में सिंपली आप लोग शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग को आ जाना होगा व्यू एडिट्स पे। एंड फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज पे। एंड ब्रश पे क्लिक कर देना होगा। एंड ब्रश पे क्लिक करने में सिंपली आप फोटो को जूम कर लीजिएगा। एंड जो भी आप लोग का कपड़ा होगा सिर्फ आप लोग उसी पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एंड जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा लाइट
बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जो भी आप लोग का लाइट कम होगा शर्ट एंड टी शर्ट पे जो भी कपड़ा होगा, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा आप लोग सेलेक्टिव सॉरी फ्रेंड आप लोग इस टूल्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ऑसम सा आप लोग का फोटो लगेगा। जैसे कि देखिए जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम होगा ना सिर्फ वहाँ वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। देखिए जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड कितना ऑसम सा फोटो लग रहा है। एंड यहाँ सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे बच गया है तो आप लोग अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। एंड गाइस इतना करने में ना सिंपली यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी बच गया है, आप लोग अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। हर बार मैं वीडियो फास्ट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग मुझे मेरे भाई बराबर हो एंड मैं आप लोगों को फैमिली मानता हूँ। तो सिंपली इतना करना, सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। मैं सोचता हूँ आप लोग को पूरा अच्छे से समझाने का कोशिश करूँ हर एक वीडियो में। देखिए मैंने आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा सेलेक्टिव पे। एंड सेलेक्टिव पे क्लिक करना सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पे ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से 100 बढ़ा दे रहे हैं। एंड गाइस देखिए 100 पे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अच्छा अभी लगेगा। 100 पे प्लस कर दीजिएगा एंड यहाँ से सेचुरेशन को थोड़ा सा आप लोग माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए कितना गजब का फोटो हम लोग का लग रहा है, -31। एंड गाइस इतना करना सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। डन करना फिर से आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ देना होगा एंड सेलेक्टिव पे। एंड देखिए जो भी हाथ पे थोड़ा सा ब्लैक होगा तो वहाँ पे भी आप लोग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लीजिएगा हल्का हल्का सा, ठीक है। एंड यहाँ से सेलेक्टिव पे फिर से क्लिक कर देंगे एंड इस हाथ पे भी थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है तो यहाँ बढ़ा लेते हैं। एंड देखिए कपड़े पे लाइट देना है तो सिंपली आप लोग ऐसे फोकस कीजिएगा सेलेक्टिव को एंड ब्राइटनेस को बढ़ाइएगा एंड कम करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का फोटो होगा, तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से रखिएगा। एंड इतना करना सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। डन कर देखिए फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो भाई लोग फोटो सेव करने वाले सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस शेयर करने वाले सिंपली आप लोग देखिए मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। सिंपली आप लोग आज इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एंड देखिए जो भी बैकग्राउंड कलरफुल दिख रहा है ना सिंपली अगर मान लीजिए ये वाला अच्छा लग रहा है आप लोग को नेगेटिव तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा सॉरी फ्रेंड। एंड ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। देन गाइस जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप लोग का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से येलो टोन में हो जाएगा। तो सिंपली मैं एक ट्रिक आप लोग को बता दिया, सिंपली आप लोग यहाँ से बैक आ जाइएगा। एंड गाइस बैक आने के बाद सिंपली आप लोग को फिर से इफेक्ट पे क्लिक कर देना होगा इफेक्ट पे एंड यहाँ से कलर रिफ्लेश। एंड देखिए मैं आप लोग को थंबनेल में एक रेड दिखाया था, ठीक है, थंबनेल में। तो सिंपली आप लोग देखिए कोई सा भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड को एंड बहुत ही ऑसम सा लगेगा आप लोग का फोटो। तो सिंपली आप लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने पर सिंपली आप लोग आ जाना होगा एड फोटो पे। एंड गाइस एड फोटो पे आने पर सिंपली हमारे पास एक बोके इफेक्ट है, पूरा वीडियो आज कीजिएगा फिर आप लोग बता देंगे कहाँ से इसको आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सिंपली हम लोग बोके इफेक्ट पीएनजी ऐड कर चुके हैं। एंड इतना करने सिंपली आप ब्लेंड वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड स्किन कर देंगे। एंड स्किन करने में सिंपली आप कुछ इस तरीके से बोके इफेक्ट आप लोग अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई कीजिएगा। एंड जो भी आप लोग सॉल्ट पे आया होगा तो सिंपली आप लोग इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से जो भी सॉल्ट पे बोके इफेक्ट आ गया होगा एंड अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप लोग इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। इरेज करने में देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही ऑसम सा एंड बहुत ही गजब का फोटो आप लोग का लगेगा। सो गाइस इतना करने के बाद सिंपली आपको टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आने के बाद सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। देखिए यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे एंड गाइस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद सिंपली आप यहाँ से कुछ इस तरीके से हल्का सा कम कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। डन करने बाद सिंपली आप लोग फिर से टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग इसको नीचे करके लाइएगा एंड यहाँ से अमाउंट को कम कर देंगे एंड इरेजर पे क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग को देखिए यहाँ से फेस पे क्लिक कर देना होगा। देन गाइस फेस पे क्लिक करना सिंपली आप लोग का फेस ब्लर हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने फेस के ऊपर से इरेज कर लीजिएगा एंड इतना करने में सिंपली आप लोग रिस्टोर पे क्लिक कर देना होगा। एंड देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस के ऊपर ड्रॉ करेंगे ना ब्रश को तो बहुत ही ऑसम सा फोटो आप लोग का फेस पूरा फुल HD में स्मूथ हो जाएगा। तो फिर मैं हर वीडियो में मैं एक नया ट्रिक लाता रहता हूँ। तो आशा करते हैं फिर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आप लोगों के तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल HD एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।